दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, आप सभी को ढेर सारा प्यार। और यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर जो सरकार ने कहा था कि हम पुलिस विभाग के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के तरफ से जो है भर्ती का विज्ञापन है, सूचना दिया है कि यहाँ पर जो है ये आपका 12 दिसंबर मतलब कल की न्यूज़ का ये आपको नोटिस शाम को आ चुका था, ये जो है भर्ती आ चुकी है और 372 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई। ठीक है, और तो और यहाँ पर 174 पद मतलब कुल मिला के 546 पदों पर जो है ये भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अगर आपके पास ये है क्या मतलब अगर खेलकूद कोटे का अगर आपको सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिएगा। अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2024। इसमें बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर जो सर ने लिखा है कि IOL मतलब इंडियन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो संविदा पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है ना, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये और दिल्ली अलग अलग स्टेट की हैं। ये आपका दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया ये आपका, ठीक है नीचे आएंगे तो आपका ये हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, मतलब हर जो है उससे निकली गई है। कहना मतलब क्या है, हर जो है आपके हर जो आपके स्टेट से भर्ती आ चुकी है, राजस्थान हो गया ये, चंडीगढ़ हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद कौन कौन से हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ग्रुप सी का पद है, ग्रुप डी का भी है ऐसी है ना, इसके अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर हो गया ये आपका, उत्तर प्रदेश हो गया ये आपका, उत्तर प्रदेश में भी भर्ती आ रही है, ठीक है आ रही है नहीं आ चुकी है भर्ती है ना, बिहार हो गया ये, तो कहने मतलब क्या है, संविदा पर भर्ती निकाली गई है। फॉर्म कैसे बना, उत्तराखंड उड़ीसा झारखंड ये आप देख सकते हैं, सभी स्टेट से भर्ती आ चुकी है यहाँ पर जो है ना। तो इसके बाद आपका जो है सिक्किम हो गया ये, मिजोरम नागालैंड असम है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ये मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया ये जो है ना। इसके बाद आप नीचे आएंगे वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा ये सब जो मणिपुर, यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा यहाँ पर विज्ञापन आ चुका। अब मैं आपको जो होंगे बहुत से बच्चे कहेंगे सर फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म जो है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर जाके है www.iocl.co है ना, इसके बाद com पर जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पूरा वेबसाइट यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, आपको 5 जनवरी 2024 तक इसके अंदर फॉर्म आप ये जमा कर सकते हैं। आपके पास अभी टाइम है, ग्रुप सी ग्रुप डी इसमें वैकेंसी आ चुकी है, आप जो है ये कर सकते हैं जमा, मतलब यहाँ पे जो है 16 दिसंबर तक यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन फॉर्म जो है अभी यहाँ से यहाँ तक आप स्टार्ट हो चुके हैं, और 5 जनवरी तो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगे स्टार्ट होंगे अभी जो है ये, और इसके बाद 5 जनवरी 2024 तक शाम के 5 बजे तक इसमें जो है ये चलेंगे फॉर्म। और तो और शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्तियाँ बहुत जल्द आएंगी आपका, 1 से लेकर 5 बजे तक के 22,000 बीएड जो शिक्षकों के मामले सरकार जो है वो कोट जाएगी। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसमें जो है ये नौकरी के लिए बुलंद की आवाज़, यहाँ पर जो है युवा मंच ने जो है नौकरी के लिए बुलंद आवाज़ कर दी है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो बहुत जल्द आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो रहा है यहाँ पर जो है, और शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन जो है बहुत जल्द आएगा, जब तक ये गठित नहीं होगा आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लगभग एलटी ग्रेड भर्ती फंसी हुई राजकीय इंटर कॉलेज में, आप तदर शिक्षक की हैं ये और लंबित में ये है, ठीक है साधन प्राइमरी भर्ती में यहाँ पे फंसी हुई, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल के वीडियो में दे दिया है, इसमें तो अखबार में आ रही है, कल को मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो स्कीम उठा के और यहाँ पर मैं आपको बता दिया था है ना, 10th और 12th का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो चुका था। और आपके जो है आपने कल 4 जगह से भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था है ना, तो 4 जगह से भर्ती का विज्ञापन आ गया था है ना, 4 जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं आपका, तो मुजफ्फरनगर में कब भर्ती आई पीछे आ चुकी भर्ती, आप मेरा ओल्ड वीडियो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सर डिग्री कॉलेज में लिखना सिर्फ मतलब एडिट कॉलेज, और आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ये वाला तो वीडियो में आ चुकी हैं भर्ती एडिट कॉलेज के अंतर्गत। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर श्रावस्ती में कब आएंगी इंटर कॉलेज भर्तियाँ आएंगी, ऐसी बात नहीं है, श्रावस्ती में भी आएंगी 4 जगह से, 4 जिलों से आपका प्रतापगढ़ हो गया ये है ना, तो और भी कई सारे ज़िले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी हो चुका 4 जिलों से। ठीक है, तो आपको अब करना क्या, सेवा योजना कार्यालय पोर्टल पर जाना और वहीं जाकर यहाँ फॉर्म आप भी भर सकते हैं। या प्रयागराज फतेहपुर प्रतापगढ़ कौसामी 4 जिलों से चपरासी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अंतिम तिथि आपकी 27 आपका दिसंबर। ठीक है, तो ये सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहीं जाकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करें प्लस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।